आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों परिवार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा जाता है, वो प्लेन जो रायपुर जा रहा था, जहां कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होने वाला था, प्लेन से उतारा जाता है और असम पुलिस उन्हें ले जाती है। जबरदस्त ड्रामा भी होता है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात, मुद्दा यह था कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक तंज कसा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम अडानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार बोल रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह वीडियो देखिए किस तरह से जैसे ही पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा जाता है और उस वक्त पुलिस नहीं पहुंची होती है तो कांग्रेस वाले किस तरह के नारे लगाते हैं आपके स्क्रीन पर। तो कांग्रेसी यहां पर यह आरोप लगा रहे थे कि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, हालांकि इतनी इज्जत से उन्होंने नहीं बोला। पवन खेड़ा का यह कहना था कि मुझसे कहा गया कि भाई आपके बैग को लेकर कोई मुद्दा है, उन्हें उतारा गया और फिर उसके बाद यह सब ड्रामा हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या बात है, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंड बैग है, तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि देखिए इन लोगों ने एफआईआर तक नहीं पेश की, बगैर एफआईआर के इस तरह से कार्रवाई करना कहां तक जायज है। रणदीप सुरजेवाला, पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए, ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है, ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी उसी प्लेन में मौजूद थी दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि देखिए किस तरह से तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतने जवान जो हैं खड़े कर दिए गए हैं, और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं बाकायदा उस प्लेन का घेराव पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दिया था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। सुप्रिया श्रीनेत, 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, इस फ्लाइट में मेरे कुलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के, और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है, और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? अगर पवन जी ने कुछ कहा तो आप कार्रवाई करिए, डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं, और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते। दोस्तों आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल पवन खेड़ा के किस बयान पर असम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। याद होगा आपको कि जब राहुल गांधी की स्पीच को लोकसभा में 18 जगहों से हटा दिया गया था, एक्सपंज कर दिया गया था, जब उन्होंने गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था, उसके बाद कांग्रेस जो है बहुत ही आक्रामक मुद्रा में आ गई थी। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ खिलवाड़ किया था,
उनके इसी बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर हमलावर हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी की बेइज्जती की गई है और लगातार उन्होंने हमला बोला उन पर। क्या कहा था पवन खेरा ने, आइए सुनते हैं। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपी सिंह, हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। देखिए कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे थे कि स्लिप ऑफ टंग था, यानी कि फिसल गई थी उनकी जुबान। कोई जुबान नहीं फिसली थी, जानबूझकर पवन खेरा ने यह बात कही थी। मगर क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिता की बेइज्जती की थी? वो साफ तौर पर एक राजनीतिक तंज मार रहे हैं और उस राजनीतिक तंज मारने के चक्कर में उन्होंने दामोदर दास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में जो दामोदर दास शब्द है उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी खिलवाड़ कर दिया। तो क्या एक राजनीतिक तंज के मुद्दे पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी और हेमंत बिस्व शर्मा, जिनकी असम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्या आप भूल गए कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के पिता, उनके दादा, उनके परदादा तक पर हमला बोला था, उनके सरनेम का जिक्र किया था? इससे ज्यादा शॉकिंग बात क्या हो सकती थी? याद कीजिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोला था। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इंसल्ट्स मी, ही सेज व्हाई इज योर नेम गांधी एंड नॉट नेहरू, बट हिज वर्ड्स आर नॉट टेकन ऑफ द रिकॉर्ड। मे बी मिस्टर मोदी डजंट अंडरस्टैंड दिस, बट जनरली इन इंडिया our surname is the surname of our father, but it does not matter because the truth always comes out। सुना आपने? अब आप मुझे बताइए, जो बात आपने पवन खेरा के मुंह से सुनी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही, ज्यादा शॉकिंग, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, ज्यादा दिक्कत किस में है मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर हमला बोलने के लिए उन्हें जर्सी काऊ कहा, एक बार उनके मुंह से कांग्रेस की विधवा शब्द तक निकला। मैं नहीं भूला हूं जब रेणुका चौधरी संसद में हंस रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि जिस तरह से रेणुका चौधरी हंस रही हैं मुझे रामायण का सीरियल याद आ गया। और आप भी जानते हैं कि रामायण में कौन सी महिला पात्र जो है इस तरह से हंसती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, शशि थरूर की पत्नी स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के बारे में प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो किसी भी मुद्दे पर गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, इसके बारे में क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आपने पवन खेरा को हिरासत में ले लिया, दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर, आपके स्क्रीन पर भोजपुरी गायिका, वो एक गाना गाती हैं यूपी में काबा, तो पुलिस पहुंच जाती है उनके घर। ये वीडियो देखिए दोस्तों, पुलिस पहुंच जाती है उनके घर और उन पर केस किया जाता है कि आपने समाज के अंदर तनाव पैदा करने का काम किया। जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? जिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर देहात में बुलडोजर चलाया जिसकी वजह से दो हिंदू ब्राह्मण महिलाएं प्रमिला और नेहा मौत के घाट उतर गईं, उनके बारे में तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस भोजपुरी गायिका ने उस मुद्दे पर एक गाना गाया उसके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है बजरंग मुनि, इस व्यक्ति ने मोनू मानेसर के पक्ष में बयान दिया कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाए, खुलेआम इस तरह की बात करना। मैं नहीं भूला हूं जब
जुबैर, मोहम्मद जुबैर, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस आदमी को नफरती बताया था, हेट मॉन्गर बताया था, तब अदालत के अंदर मोदी सरकार ने कहा था कि ये बहुत सम्मानित धर्म गुरु हैं, इनको नफरती नहीं बताया जा सकता, उससे हिंसा हो सकती है, यानी कि ये व्यक्ति जो मर्जी कहता रहे, जितनी नफरती बयान देते रहे, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे आप। कश्मीर फाइल्स का निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपने इस ट्वीट में, पूरे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर खुलेआम मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रहा है, उन्हें पंक्चर वाला बता रहा है, जिहादी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर कोई पुलिस केस होगा? मैं आपको ढेरों ऐसे बयान दिखा सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा दिन गुजर जाएगा, यह कार्यक्रम 5 घंटे का हो जाएगा, जो अपनी तरफ से आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं उन पर कोई एक्शन होता है क्या? सीधा और सरल सवाल मेरा, उन पर कब एक्शन हुआ है बताइए ना। अभी हाल ही में हिमाचल और गुजरात में चुनाव हुए थे, मैं आपको ढेरों बयान दिखा सकता हूं, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, जिसमें उन्होंने चुनाव आचार संहिता की दिशा निर्देश का उल्लंघन किया था, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। मगर पवन खेरा ने एक राजनीतिक तंज कसा, उस पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ये बार बार कर रही है, जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों के करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट बार बार दिखाई दे रही है। जो आलोचक हैं, जो इनसे सवाल करते हैं, उन पर इसी तरह से दबिश डाली जाए, इसी तरह से लोकतंत्र को बदनाम किया जाए, इसी तरह से भारत की साख पर भट्टा लगाया जाए। मुझे लगता है कि पवन खेरा को इस तरह से हिरासत में लेना सरासर गलत है, क्योंकि अगर गाली गलौज पे या राजनीतिक तंज कसने पर किसी को आप गिरफ्तार करेंगे, किसी को आप हिरासत में लेंगे, तो मैं आपको ऐसी ढेरों मिसालें बता सकता हूं और बता भी चुका हूं अभी, उन पर क्या कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, आज आपकी सत्ता है, आप इस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, कल को ये सब नहीं होगा, ये सब उड़नछू हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा बताइए ना। वाकई असम पुलिस ने जो किया है वो नहायत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बौखलाहट दिखा रही है, उसने अपने पांव में कुल्हाड़ी भी मारी है, क्योंकि इसके बाद से मैं उम्मीद करता हूं कम से कम इसके बाद कांग्रेस जो है वो थोड़ी उग्र होगी, आक्रामक होगी, और वो सड़क पर उतर के इन मुद्दों को उठाएगी, जिसके जरिए देश का लोकतंत्र जो है वो बार बार खतरे में दिखाई दे रहा है। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।